नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। नगर पालिक निगम आयुक्त मृणाल मीणा द्वारा जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए लगातार जनता को मिल रही सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की जा रही है। उनके द्वारा लापरवाही करने वालों पर ठोस कार्यवाही भी जा रही है। इसी क्रम में निगम आयुक्त मृणाल मीणा द्वारा कचरा उठाव कर रही रेम की कंपनी को कार्य में लापरवाही पर नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में निगम आयुक्त ने कहा है कि रेम की कंपनी के वाहन आए दिन सेवा के दौरान ही बिगड़ रहे हैं, जिनका मेंटेनेंस कराने में भी समय लगता है। वे कईयों के मेंटेनेंस नहीं होने से वार्ड में कचरा उठाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। आए दिन जनता की शिकायतें उन तक पहुंच रही हैं। रेमकी के वाहन इतने कंडम हैं कि कहीं भी उनका गेट अचानक से खुल जाता है। बुधवार को रेमकी कंपनी के कचरा वाहन क्रमांक MP 17G 2842 का गेट मुख्य बाजार शिल्पी प्लाजा क्षेत्र में खुल गया, जिसे नगर निगम के PRO सुरेंद्र सिंह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बार बार निर्देश के बाद भी कंपनी द्वारा वाहन नहीं बदले जा रहे हैं व कार्य में लापरवाही की जा रही है। स्थानीय स्तर के जिम्मेदार अधिकारियों को कार्य में सुधार के लिए बार बार नोटिस दिया गया, लेकिन अपेक्षाकृत कोई सुधार नहीं किया गया। जहां जैसी आवश्यकता है वहां वैसा निर्माण कार्य होगा। महापौर ने वार्ड में स्ट्रीट लाइटें व बिजली के पोल जल्द से जल्द लगाए जाने के लिए आदेशित किया है। निरीक्षण के दौरान MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, स्वतंत्र शर्मा, कांग्रेस नेता राकेश शर्मा, राम कीर्ति शर्मा सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज।